अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स के। और सबसे पहले दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 5 अगस्त 2019 की बड़ी अपडेट्स हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज किसके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। तो दोस्तों आपकी जो परिस्थिति, स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मिलेगा टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दीक्षा ऐप सभी शिक्षकों को डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप लोग के 40, 45 और 60, 65 को लेकर क्या होगा आज, आज किस पर लगेगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। तो दोस्तों ये सुनवाई आपकी सेकंड मीटिंग से शुरू हो सकती है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड टाइम है दोस्तों, 2:15 के बाद आपकी सुनवाई शुरू हो सकती है। तो और डिस्कस करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में कि आज क्या होगा कोर्ट में, और दोस्तों कितने गुणांक पर आप लोग को मिल सकती है नौकरी, और अंतरिम राहत पर मिल सकती है नौकरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 60 और 65 कट ऑफ पर नौकरी चाहिए या पासिंग मार्क पर, तो आप लोग को अंतरिम राहत अगर दी जाती है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको नौकरी दी जा सकती है। अब दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइनल कट ऑफ यही होगी। और एक चीज और दोस्तों, आपकी सिपाही भर्ती और डीएलएड की एक ही दिन से परीक्षाएं पढ़ने से अभ्यर्थी परेशान, 14 अगस्त को होगी यह परीक्षाएं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि अब जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर या डीएलएड के हैं जिसका नाम, तो उनका पेपर इस बार 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो बच्चे परेशान है कि यार एक ही दिन दो पेपर पढ़ गए तो उन्हें एक ही पेपर दे पाएंगे। देखिए दोस्तों एक और चीज, आप लोग की प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्य को मिलेगा टैबलेट। तो एक अच्छी खबर आई दोस्तों कि अब फ्री में आप लोग को टैबलेट मिलने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आप लोग उनको मैसेज करके जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा कि उनको सुबह सुबह एक अच्छी खुशखबरी दीजिएगा कि भाई अब आपको एक फ्री का टैबलेट मिलने वाला है। तो दोस्तों क्या पूरी खबर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आज आपके कोर्ट में क्या होने वाला है। 40, 45, 60, 65 को लेकर सभी अपडेट्स हम देखेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोग भी प्रिंसिपल बनने ही वाले हैं, तो आप लोग को भी टैबलेट मिलेगा। तो पढ़ते हैं, अब सारे प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस टैबलेट में स्कूलों की निगरानी से संबंधित सारे ऐप होंगे। टैबलेट की खरीद के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पूरी योजना पर सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस टैबलेट के जरिए प्रधानाचार्य सभी योजनाओं के बारे में शासन तक अपडेट करेंगे। हालांकि इससे पहले भी सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को टैबलेट देने की बात उठ चुकी है, लेकिन बजट के अभाव में इसे रोक दिया गया। अब शैक्षिक सत्र में इसे लागू किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, इसी के जरिए लगेगी हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, टैबलेट से आपकी हाजिरी लग सकती है। प्रदेश में अब इसके जरिए स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी भी लिए जाने की तैयारी है। इससे सुबह प्रार्थना सभा का फोटो भी मंगवाया जाएगा और एक सॉफ्टवेयर के जरिए हेड काउंट भी किया जाएगा, ताकि ये निश्चित हो सके कि कितने बच्चे स्कूल आए। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का कि फोटो खींचने के बाद ये पता चलेगा कि सर काउंट कर लेंगे कि हाँ इतने बच्चे आए। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मॉडर्न है, 2019 चल रहा है, ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि प्रदेश के हर स्कूल की जियो टैगिंग है, यानी उस स्कूल का अक्षांश और देशांत भी फोटो के साथ दर्ज हो जाएगा। इससे कोई भी फर्जी फोटो नहीं भेजी जा सकेगी, वही किसी दूसरी जगह से यह हाजिरी नहीं लगाई जा सकेगी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि कितना ज्यादा आगे चल के आपके लिए सख्त होने वाला है स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना, मतलब कितनी ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। एक बार सब कुछ ऑनलाइन हो जाने पर दोस्तों आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। टैबलेट देखिए तब क्या होता है, अगर आपके फोन से इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा एक तरीके से। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इस योजना के तहत क्या क्या दिया गया कि 1,59,043 हेडमास्टरों को टैबलेट दिया जाएगा, वही 880 टैबलेट ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और 4,400 टैबलेट एबीआरसी को दिए जाएंगे। ठीक है, बीआरसी प्लान भी दिया जाएगा, मतलब डेटा प्लान भी दोस्तों दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको खाली टैबलेट दे दिया जाएगा, मतलब हर महीने का आपको प्लान मिलेगा। राज्य स्तर पर इसका कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम तैयार होगा। तो दोस्तों सोच रहे होंगे आपको कितनी अच्छी बात है कि अब फ्री का इंटरनेट, फ्री का टैबलेट, तो सही है, अच्छी चीज है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों और बात करेंगे कि आप लोगों को कितने गुणांक पर मिलेगी नौकरी। मेन डिस्कशन हमारा इस वीडियो में आज का यही है कि कितने नंबर होंगे तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। और दोस्तों देखिए अंतरिम राहत पर बात सब लोग क्यों कर रहा है। देखिए होगा क्या, अगर एक बार आपकी कट ऑफ 60 और 65 पर आपको नौकरी दे दी जाती है सरकार अगर चाहे,
ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अगर एक बार आपको नौकरी मिल गई तो ये मामला भले कितने दिन कोर्ट में चलेगा, लेकिन लास्ट का जो डिसीजन आएगा ना फाइनल, वो 60 और 65 के पक्ष में आ जाएगा। इसका रीजन ये रहेगा कि जो बच्चे एक बार नौकरी कर रहे हैं तो उसको कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि उन बच्चों को निकाले, क्योंकि एक तो उनके अच्छे नंबर होंगे। अभी तक दोस्तों ऐसा कोई भी सही से कानून नहीं बन पाया है कि क्या होना चाहिए। मतलब दोस्तों कहने का साफ साफ है कि दोस्तों अभी तक ऐसा कोई कानून है ही नहीं सही से कि अगर हम पासिंग मार्क पहले या बाद में लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर बार कोर्ट के डिसीजन अलग अलग आते हैं हर एक जगह। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आपको दोस्तों यही देख लीजिए, जो आपका लखनऊ खंडपीठ से भले आप लोग 40-45 जीता हो वहां पर, लेकिन दोस्तों वही इलाहाबाद में जो हमारा सिंगल बेंच का फैसला है तो वो 0 कटआउट पर था। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें यही है कि हर जगह के जज अपने मन मुताबिक, अपने सोच समझ के, जो भी चाहे उनको जो भी अच्छा लगे वो आपको डिसीजन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर जज साहब चाहेंगे तो 60 और 65 भी जीत सकता है। नहीं तो दोस्तों देखिए, इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ के दोस्तों अगर दोनों फैसला सेम होता तो हम मान सकते थे कि आपका फाइनल कट ऑफ 40-45 ही हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर साफ है कि जो भी फैसला आएगा या तो वो विज्ञप्ति के आधार पर दिया जाएगा या तो जज साहब अपने मन मुताबिक दे सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा तो हमारे देश में कोई नहीं है। जज साहब से जो वो बोलेंगे वही आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई कि ये शून्य कट ऑफ आपकी किस तरह बनी थी। ये आपके विज्ञप्ति का आधार बनाया गया होगा और 40-45 में दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती का पार्ट 2। तो ये बात दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो अगली कट ऑफ आ सकती है वो 60 और 65 भी दी जा सकती है। दोस्तों 60 और 65 भाई सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार ही ये शिक्षक भर्ती को पूरी करा रही है। उसका जो फंड आएगा वो सरकार ही विधानसभा में पारित करेगी, लोकसभा से जो बजट आता है हर जगह से पैसे जुड़ जाड़ के दोस्तों आप लोग को दिए जाते हैं। आपको आपको बात पता होगी बहुत ही अच्छे से। तो सरकार जो चाहेगी दोस्तों वो किया जा सकता है। अगर एक बार आपको अंतरिम राहत दे दी जाती है तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी नौकरी फिर कभी नहीं जाने वाली, इसके लिए तो आप लोग हमेशा निश्चिंत रहिएगा। और दोस्तों देखिए फाइनल कट ऑफ यही होगी, इसको आपको समझना है आज। ठीक है, हम लोग ने क्या कहा, देखिए एक और अपडेट इसको भी दोस्तों देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों फाइनल कट ऑफ पर बात कर लेते हैं कि एक ही दिन से 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी हो चुके हैं परेशान। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही भर्ती और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा एक ही दिन होने से अभ्यर्थी हैं परेशान। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा 14, 16 और 17 अगस्त को प्रस्तावित है। वही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल NIA और SSF में सिपाही भर्ती और असम राइफल्स में राइफल्स मैन भर्ती लिखित परीक्षा 14 अगस्त को है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिपाही भर्ती और डीएलएड दोनों के लिए आवेदन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 अगस्त को एक साथ 2 बड़ी परीक्षाएं होने से वे एक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से डीएलएड परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उधर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि पहले ही डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 20 से 25 दिन विलंबन हो गया है, परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो दोस्तों चलिए आप लोग के लिए अच्छी बात है कि जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले तो उनको तो ये बात श्योर है कि अब उनका पेपर 14 तारीख से ही होगा। अब बात आती है यार 15 तारीख को आप लोग का रक्षाबंधन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे, ये तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए सही है, उस दिन एंजॉय करिएगा दोस्तों। आप लोग 15 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करना है तो अभी से आप लोग अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, नहीं तो लास्ट टाइम में आप रक्षाबंधन सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे, ये तो बात सी हो रही है। तो आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी और डिस्कस करते हैं इस पर दोस्तों, फाइनल कट ऑफ को लेकर। देखिए फाइनल कट ऑफ ठीक है, तो दोस्तों हमने एक चीज क्या देखा कि अगर हमारा ये मामला सिंगल बेंच में चला इलाहाबाद में, ठीक है 3 जगह हम देखेंगे आज। इलाहाबाद दोस्तों हो गया, दूसरा आपका लखनऊ हो गया, ये सिंगल बेंच है ऐसा ही लिख रहे हैं, और दूसरी ये आपका लखनऊ का डबल बेंच। तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में आज। देखिए हमें जो इलाहाबाद से हमें जो हमारे पास कट ऑफ मिलती है फाइनल पासिंग मार्क आता है वो 0 आता है। लखनऊ से दोस्तों हमें 40-45 मिलता है। अब दोस्तों बात आती है कि लखनऊ के ही डबल बेंच में क्या कट ऑफ हो सकती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 जज साहब अलग अलग हैं, और दोस्तों यहाँ पर भी 1 जज साहब थे सिंगल बेंच में, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 थे, और दोस्तों यहाँ पर 1+1 तो मतलब यहाँ पर 2 हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि 0 होगी या 40-45 या 60-65, देखिए दोस्तों एक ही अदालत में जो 2 जज साहब से अलग अलग मतभेद भी हो सकता है कि यार हम ये रखना चाहते हैं, वो कहेंगे हम ये रखना चाहते हैं। दोस्तों एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप लोग की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो जज साहब जो चाहेंगे वही बना सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर बहुत ही स्पष्ट नियम होते तो आप लोग समझ रहे होते कि आपकी फाइनल कट ऑफ दोस्तों जो दोनों बेंच से बनी है वो चाहे लखनऊ हो या इलाहाबाद, दोनों से सेम कट ऑफ बनती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि दोनों जगह, एक जगह 0, एक जगह 40-45, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 60 और 65 कट ऑफ भी लाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 60 और 65 नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों जब 40-45 आ सकती है, शून्य कट ऑफ आ सकती है, तो डेफिनेटली दोस्तों 60 और 65 कट ऑफ भी लगाई जा सकती है। अब एक बात और हम लोग करेंगे इस वीडियो में कि अगर 60 और 65 कट ऑफ दोस्तों हो जाती है फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों अभी हमारे पास मेन मुद्दा क्या है ना, जो सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर दोस्तों सबसे पहले हमें रिजल्ट जारी कराना है, अगर एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है तो दोस्तों रिवाइज आंसर की बहुत ही जल्द दोस्तों जारी हो जाएगी। पहले तो रिवाइज आएगी, उसके बाद ही दोस्तों रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों देखिए अगर एक ही दिन अगर हमारी रिजल्ट और रिवाइज आंसर की, या पहले रिवाइज आएगी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, दोस्तों अगर जारी होगा तभी काफी बच्चों को फायदा होगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग को नुकसान हो सकता है। क्योंकि रिवाइज आंसर के आने के बाद ये बात समझना होगा आपको, एक बार रिवाइज आंसर की जारी होगी उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि कुछ नए केसेस आपके कोर्ट में चले आए, क्योंकि दोस्तों सभी बच्चों के नंबर तो बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छे से स्पष्ट होगी हर एक बच्चे को कि रिवाइज आंसर की के बाद सभी बच्चे एक दो नंबर से अगर रह जाते, मान लेते जिन बच्चों के 88 नंबर आ गए, अगर 90 और 97 पासिंग मार्क दोस्तों अगर आपकी लगती है, तो कुछ बच्चों के डेफिनेटली दोस्तों 88 नंबर तो आने वाले हैं, 89 नंबर भी आएंगे, तो वो बच्चे तो डेफिनेटली कोर्ट में एक नया केस कर देंगे कि नहीं, या तो कट ऑफ 40-45 होनी चाहिए या तो 1 से 2 नंबर बढ़ने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मामला अगर फंस सकता है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगर रिवाइज सेंटर की सुबह आती है, रिजल्ट आपका शाम तक आता है, तो फिर ना कोई केस होगा ना कुछ होगा, क्योंकि एक दिन का तो समय चाहिए होगा आपको स्टे लेने के लिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप कोर्ट जाते ही स्टे मिल जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी अब कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बन सकती है वो कुछ भी हो सकती है, वो तो शून्य भी हो सकती है, 40-45 और 60-65 तीनों। तो दोस्तों तीनों की पूरी संभावना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शून्य कट ऑफ जीत सकती है 40-45 या तो 60-65। तो दोस्तों अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, इसलिए कह रहे हैं अगर एक बार अंतरिम राहत दे दी जाती है यहाँ पर, तो वो राहत चेंज नहीं होगी। कोर्ट भी दोस्तों ये भी सोचेंगे चलो ठीक है, जो बच्चे नौकरी पा गए वो बच्चे योग्य भी हैं, अब उन्हें नौकरी निकालने से उनका नुकसान भी होगा, तो दोस्तों डेफिनेटली वो बच्चे कंटिन्यू आगे नौकरी कर पाएंगे। तो एक और दोस्तों हमारा मैटर रहेगा कि आज के बाद हमें देखते हैं कि कल हमें डेट मिलती है या नहीं। दोस्तों अगर हमें कल डेट मिलती है तो हमारे लिए बहुत ही फायदे में रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिर मिलेंगे।